the questions I have got is uh, I'll take two questions together because they are uh, related to relationships so I'll take them first तो so, एक तो ये है कि हमसे जो बड़े हैं उनके साथ हमें uh, कैसे डील करना है और एक है जो क्वेश्चन uh, है बेसिकली उसका क्रक्स ये है कि अगर हम किसी को माफ कर देते हैं फी forgive गेव और एक्सेप्ट and एंड दोज पीपल आर डूइंग रॉन्ग और हैड डन and एंड वी स्टिल नो दैट are आर डूइंग रॉन्ग सो एक्सेप्टिंग एंड फॉरगिविंग से क्या हम उनके वो सहन करते रहे या वो जो गलत कर रहे हैं उसको हम इग्नोर कर दे या हम उनकी गलत बिहेवियर को कंटिन्यू करने दें सपोर्ट करें और क्या जब हम चुप हो जाते हैं हम एक्सेप्ट करते हैं फॉरगिव करते हैं तो आर एंट भी सपोर्टिंग देम इन देर रोंग दैट रॉन्ग

उसका ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि यू आर बेसिकली एक्सेप्टिंग दे रॉन्ग बिहेवियर और यू आर मोटिवेटिंग देम और सपोर्टिंग सपोर्टिंग देम। जब आप किसी को एक्सेप्ट कर रहे हैं फॉरगिव करते हैं या उनकी गलती को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या फॉरगिव कर रहे हैं उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप ये बता रहे हैं कि आप झुक गए या फिर आप छोटे हैं या फिर आप कमजोर है या फिर आपको आ, मतलब आपने गिवअप आप कर दिया या आपने मान लिया कि आप गलत और वो सही है यहाँ पे सही या गलत का कोई हमारा यहाँ पे ये यह मतलब ही नहीं बनता है द आइडिया ऑफ एक्सेप्टिंग और फॉरगिविंग इज जस्ट टू ब्रिंग इन दारमोनी विद इन to heal ourselves so that we do not become a part of their negativity। जब हम किसी को forgive कर रहे हैं या किसी को accept कर रहे हैं इसमें हम किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं हम खुद के लिए कर रहे हैं। तो किसी को स्वीकारणा is basically bringing in inner harmony। why? Because if we don't do that there will be always anger, uh, guilt, regret, frustration, uh, remorse. बिटरनेस पता नहीं क्या क्या होगा हमारे अंदर और हमें वो एक्सपीरियंस को अब कंटिन्यू नहीं करना है फॉर दैट रीजन वी आर एक्सेप्टिंग इट एक्सेप्टेंस इज जस्ट अ स्टेट ऑफ पीस अ स्टेट ऑफ रिसोर्सफुलनेस एंड इट मीन के एक्सेप्ट करने पे हमने ये मान लिया कि अब ये ऐसा ही रहेगा और जब आपको कोई चीज बदलना है तो पहले आपको आपकी स्टेट अच्छी करना है और इसीलिए एक्सेप्टेंस फिर वो खुद की हो या किसी और की हो क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आपको आप कमजोर बनेंगे एंड इफ यू आर वीक यू कैन नॉट ब्रिंग एनी चेंज नीदर इन योर सेल्फ नॉर अराउंड यू एनी थिंग अराउंड यू बीट सिचुएशन और पीपल सो एक्सेप्टेंस आपके लिए इट इज फॉर ब्रिंगिंग इन एंड इंटरनल पीस और हारमोनी विद इन इट इज नॉट अबाउट तो एक्सेप्ट इसलिए करना है एक्सेप्टेंस यहाँ पे ये भी है कि आपको पता है कि मतलब आपके ना एक्सेप्ट करने पे ऐसा तो नहीं है कि वो बदल जाएंगे ऐसा तो नहीं कि वो आपसे प्यार करता है बोलते अच्छा तू तो एक्सेप्ट नहीं कर रही है मुझे या कर रहा है ठीक है अब मैं बदल जाऊंगा तो नॉन एक्सेप्टेंस तो आपको कहीं पे भी नहीं पहुंचा रही इट इज नॉट ंग यू एनी रिजल्ट एक्सेप्टेंस एटलीस्ट आपको अपने अंदर एक पीस या हारमोनी की वाइब्रेशन तो क्रिएट करने के लिए मदद कर रही है नॉन एक्सेप्टेंस तो उल्टा situation को और खराब ही कर रहा है तो एक्सेप्ट मतलब ऐसा है और ये इंसान ऐसा ही करेगा इससे मुझे कुछ और नहीं एक्सपेक्ट करना है ये एक्सेप्टेंस है दिस इज एक्सेप्टेंस और फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आई नाव अलाउ माई सेल्फ टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन टू डिटैच फ्रॉम दिस पेन फॉरगिवनेस का मतलब क्या होता है कि अब मैं इनकी नेगेटिविटी के कारण इनकी बुराइयों के कारण अपने आप को पनिश नहीं करूंगा या पनिश करूंगी दैट इज फॉरगिवनेस अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है और अगर वो बंदा उसको माफ नहीं कर पा रहा है दस महीने दस साल बीस साल तो जो माफ नहीं कर पा रहा है वो भी तो अपने आप को पनिश कर रहा है और किसके लिए पनिश कर रहा है उस इंसान के लिए जिसने बुरा किया है सो वॉट आर यू डूइंग यू आर पनिशिंग योर सेल्फ और बिहेवियर टूवर्ड्स यू मतलब किसी ने कुछ बुरा किया उसका पनिशमेंट आप अपने आप को दे रहे हो नाउ दैट इज रॉन्ग बिहेवियर और अ रॉन्ग रिस्पांस इसीलिए आपको फॉरगिव करना है फॉरगिवनेस हैज नथिंग टू डू विथ अदर पर्सन इट हैज टू डू ओनली विथ योर सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और जब आप एक्सेप्ट करते हैं और फॉरगिव करते हैं अब आपकी स्टेट अच्छी हो गई जब आपकी स्टेट अच्छी हो गई अब आप पावरफुल बने जब आप पावरफुल बनेंगे तभी आप इम्पैक्ट लेके आएंगे अगर आप चाहते हैं एनवायरमेंट में आपका इम्पैक्ट हो एनवायरमेंट आपकी वाइब्रेशन से बदले तो आपको पहले पावरफुल होना है वीक इंसान की वाइब्रेशन नहीं चलती है पावरफुल इंसान की वाइब्रेशन चलती है फिर वो पावरफुल नेगेटिव हो या पावरफुल पॉजिटिव हो अगर आपको लगता है सामने वाला नेगेटिव है तो उससे ज्यादा नेगेटिव बनने में आप वीक हो जाएंगे वो प्रोसेस में आपको करना क्या है आपको पावरफुल बनना है उसकी जैसा नहीं बनना है तो उसको अगर आपको नीचे मतलब बैलेंस करना है हमें हम सेल्फ लव या कोई भी ट्रेनिंग आपको किसी के साथ दुर्व्यवहार करना किसी का बुरा करना किसी को नीचा दिखाना नहीं सिखाता है हम सिर्फ आपको हीलिंग सिखाते हैं ट्रांसफॉर्मेशन सिखाते हैं एक ऐसी लिविंग सिखाते हैं जहां आप सब लोग प्यार से रह सके अच्छी एक्सेप्टेंस के साथ फॉगिवनेस के साथ और अनकंडीशनल लव के साथ तो आइडिया ये है कि आपके घर वाले कुछ हो सकते हैं कोई बड़े है छोटे है पर वो आप ही के फैमिली मेंबर्स है लेकिन वो आपसे अच्छे नहीं है और आप उनके साथ रह रहे आपका कर्मा है ऐसा कि यू के नॉट स्टे

सिर्फ कुछ ही लोगों के साथ बुरे होते हैं सब लोगों के साथ नहीं होते उसका कारण भी ये है कि उसका कार्मिक फैक्टर होता है और जो भी आत्माएं मतलब जो भी लोग आपके साथ जुड़े हैं उनका आपके साथ कार्मिक फैक्टर है वो ऐवे ही आपसे झगड़ नहीं रहे ऐवे ही आपसे उलझ नहीं रहे ऐवे ही आपसे लड़ नहीं रहे कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऐसे ही नहीं आ जाता है रेंडमली ऐसे ही आता नहीं है ऐसे ही जाता नहीं है लाइफ में वो आएगा क्योंकि उसका पर्पस है और जब उसका पर्पस खत्म हो जाएगा आप कितना भी रोकने की कोशिश करेंगे वो नहीं रुकेगा उसको जाना होगा वो चले जाएगा तो दोनों भी चीज में आपको मेहनत नहीं करनी है किसी को अपने जिंदगी में लाने के लिए और किसी को और कोई जा रहा है तो उसे रोकने के लिए सी ऑल दिस इज लाइक वेस्ट ऑफ एनर्जी लेकिन अगर आपके साथ कोई है और कार्मिकली आप कनेक्टेड है तो आपको कार्मिक अकाउंट सेटल करना है सेटल के लिए एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस ये पहला आंसर आंसर है मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ आपको अपनी प्रोटेक्शन के लिए आवाज उठानी है सेल्फ लव बोलता है डम बन के नहीं रहना है कि कोई भी आए आपको फूल बनाए आपको चीट बनाए आपको दो, आपको डिस्ट्रॉय करके जाए और आप बोलो हाँ मैं यहाँ पे देवता देवी बन के बैठा हूं आप आओ और आ, मेरी बैंड बजा के जाओ सेल्फ लव ये नहीं सिखाता है but at the same time we don't ask you to go and fight and you know use abusive language be negative in your approach what we say is you have right to protect yourself you have right to take a stand for yourself but there is a way of communication and you must be wiser enough to get the results you want and that is why i say pay attention to your communication or आप अच्छा कम्युनिकेट तभी कर पाएंगे जब यहाँ पे आपकी शांति है जब आप अपना पूरा जो एनर्जी है वो आप ठीक जगह पे लगाएंगे आप राइट right डायरेक्शन पे लगाएंगे तो आपको आएगा बड़ों से कैसे बात करनी है उस पर्टिकुलर इंसान से कैसे बात करनी है वो इंसान भी आपको वो देगा जो आप चाहते हैं ऑन द कंडीशन कंडीशन अप्लाइड कि आप वैसे बात करो जैसे उसे वो रिजल्ट बाहर आएगा ठीक है अब आप ऐसे नहीं बोलोगे कि कोई आ, बहुत नेगेटिव है तो मैं उसको नेगेटिव वे में ही बात करूंगा वैसे नहीं बोल रही हूं मैं देर आर देर आर पैटर्न विथ एवरी वन सभी के अंदर पैटर्न बनी पड़ी है और कोई भी इंसान है ना ऐसे जन्म से रूड नहीं होता है जन्म से कड़वा या जन्म से नेगेटिव नहीं होता है उसकी अपनी पैटर्न बनी है और वो अपने पैटर्न के हिसाब से ही चलेगा वो आपके हिसाब से नहीं चलेगा आप बोलोगे कि नहीं मैं अभी ये तो इतना जोर से बात करते हैं मैं इनको बोल रही हूँ सॉफ्टली बात करू तो एकदम से आपने दो बार बोल दिया और वो सॉफ्ट हो जाएगा ऐसे नहीं होता है उनकी अपनी पैटर्न बनी पड़ी है राइट सो यू हैव टू अंडरस्टैंड

अपने आप को बहुत सारा प्यार दो, अपने आप को प्रोटेक्शन में डालो, अब शांति से बैठो एक बार ही में कुछ नहीं आता है एक बार आप मेरा प्रोग्राम करोगे वापस एक साल के बाद आप प्रोग्राम करोगे मैं वही रहूंगी लेकिन आपका रिस्पांस बदलेगा आप बोलोगे मैम अभी ज्यादा अच्छा लग रहा है मैं वही हूँ आप बदल गए हो इसलिए आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है राइट right? और जब आप किसी का भी पहला प्रोग्राम लेते हैं उसके बाद आप जब दूसरा तीसरा प्रोग्राम करते हैं ना आपको रिजल्ट हमेशा तीसरे या चौथे प्रोग्राम में ज्यादा मिलता है ऐसा नहीं कि पहले प्रोग्राम वाले ने आपके ऊपर काम नहीं किया है पर आपके अंदर इतना भरा पड़ा था ना कि आपको रिजल्ट दिखा नहीं और जब वो निकलते जाता है निकलते जाता है तब आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ती है एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग एन अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स बेटर सो यू डेमी जो भी मैंने कॉसेज दिए है उसमें जो भी मैंने वीडियोज दिए है वो आपको देखना है रिलेशनशिप मास्ट्री में मैंने पॉइंट ऑफ व्यू दिया है ये एक ऐसी टेक्निक है जो आपके क्रिएटिव माइंड को इग्नइट करेंगी आपको सभी को हैंडल करते आता है डू यू नो नैट यू नो हाउ टू हैंडल योर मदर इन लॉ योर फादर इन लॉ योर सिस्टर इन लॉ योर हसबेंड योर वाइफ योर फ्रेंड यू ओनली नो इट आई वुड नेवर नो इट रिलेशनशिप आपका है और आप ही को पता है मजे की बात सॉल्यूशन आपके अंदर ही पड़ा है लेकिन प्रॉब्लम क्या है हम तो वहीं पे अटक गए कि इन्होंने ऐसे बात नहीं करनी चाहिए इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए इन्होंने वैसा नहीं करना चाहिए वहां अटकोगे तो उनकी एनर्जी में आपकी एनर्जी मिक्स हो जाएगी तो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी नीचे हो जाएगी मुझे अगर किसी को ठीक करना है तो मुझे अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना है तो मुझे पावरफुल बनना है तो आई हेव टू फर्स्ट वर्क ऑन माई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी टेक माई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी आप देन आई हे टू कनेक्ट विथ माई क्रिएटिव माइंड राइट एंड देन आई इसलिए हम लोग काउंसलिंग नहीं करते रिश्ता आपका ठीक है संबंध आपका कर्म आपका मैं कैसे काउंसिल करूं मैं कैसे बताऊ आपको सास के साथ कैसे बात करनी है ससुर के साथ कैसे बात करनी है पति के साथ कैसे बात करनी है पति आपका है पत्नी आपकी है सास आपकी है मेरी तो है नहीं ठीक है तो आपको इसलिए हम लोग काउंसलिंग नहीं करते we believe in coaching people and not counseling because you have the counselor inside you aapko exactly pata hai aapko aapke saas ke sath kaise deal karna hai you only know it very well the problem is you have never explored that solution and wohi aapko ye training program सिखाता है कि अपने creative mind को ignite करो solutions मांगो देखो universe में आप जो भी seed डालते हैं ना उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है ये लॉ है लॉ कभी फेल नहीं होता लॉ साइंस कैसे फेल होगा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल होता है क्या आज वॉर चल रहा है तो आज लॉ अलग रहेगा कल कुछ कोविड आ गया तो लॉ अलग हो जाएगा लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या बोलता है कुछ भी मैंने ऐसे यहाँ से फेंका नीचे ही जाएगा दैट रिमेन सेम उसमें तुम्हारी और मेरी नहीं चलती है वैसे लॉ ऑफ यूनिवर्स लॉ है वो वैसा ही रहेगा law would never change. तो जब ये ये जो कोचिंग है ना ये आपको उस लॉ के साथ यूनिवर्स के लॉ के साथ अलाइन करने के लिए है और जब आप अपने आप को अलाइन करेंगे यूनिवर्स के लॉज के साथ आपको रिजल्ट आने ही है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिजल्ट नहीं आए ऐसा हो हाँ रिजल्ट ना आने के चांसेस ये आपने काम नहीं किया अपने आप पे और पैटर्न बनी है ना हमारी दूसरों के ऊपर फोकस करना प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करना एक्नोलेज नहीं करना मैंने कल एक पार्टिसिपेंट को मैसेज किया था इसी ग्रुप से मैंने कहा था एक्नोलेज करो मेरे लिए नहीं है एक्नोलेजमेंट मैं प्रेयर ग्रुप में बोलती हूँ एक्नोलेज करो उसका रीजन बताती हूँ जब भी आप एक्नोलेज करते हैं ना किसी भी चीज को आपके ब्रेन को आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रस्ट बैठने लगता है वो रिसीविंग मोड में आ जाता है और वो उस पैटर्न को पकड़ता है आप परसेंट लोगों की ये एक प्रॉब्लम है वो लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से एक्नोलेज करेंगे बहुत ही इंटेंसिटी के साथ ब, बड़ा मसाला डालेंगे उसके अंदर आपको नहीं पता मेरे को कितनी बड़ी प्रॉब्लम है मैम आई हैव सच ए बिग प्रॉब्लम मैं दस साल से इसमें हूँ मेरे साथ ये हो गया वो पूरा डिटेल में बताएंगे डिटेल में अच्छा मेडिटेशन करवाया हाँ हाँ अच्छा लगा थोड़ा अच्छा लगा हाँ इतना कितना अच्छा लगा थर्टी परसेंट थर्टी परसेंट कम है मैं तो बोलू दस परसेंट भी कम नहीं है अगर फर्स्ट टाइम अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं बट आप एक्नोलॉज ही नहीं कर रहे हैं अगर माइंड को ये एक्नोलॉज नहीं मिलेगा कि मैं नए पैटर्न को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ मेरे लाइफ में चेंज आ रहा है ये मैसेज नहीं जाएगा यूनिवर्स तक यूनिवर्स आपकी मदद नहीं कर पाएगा यूनिवर्स इज ऑलवेज इन योर सपोर्ट आप बोल के तो देखो एक भजन है हिंदी में हम गाते हैं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं तो मीरा के जैसे बुलाते नहीं कहने का मतलब भगवान हमेशा तुम्हारे पास है वो तो बोल ही रहे मुझे मांगो मैं देने के लिए रेडी हूं मेरे से हेल्प मांगो मैं तुम्हें हेल्प भी दूंगा चीजें मांगो मैं सब दूंगा लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मांगते ही नहीं हमको तो सिर्फ कंप्लेन करनी है वेन है वो यू आर कंप्लेनिंग योर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंस इज गोइंग डाउन जब भी, भी शैतान को पकड़ के रखोगे शैतान पावरफुल बनेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से सारे डीमंस चले जाए सारे शैतान भाग जाए तो आपको शक्ति को पकड़ना है शक्ति का साथ देना है शक्ति को एक्नोलेज करना है एक्नोलेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड एक रुपया मिल रहा है ना उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करो बिकॉज उससे तुम ओपन हो रहे हो उससे तुम्हारी भलाई हो रही है ट्रेनर की नहीं उसकी तो होगी वो बाद में वो उसकी वाइब्रेशन से वो अपना काम कर लेगा ट्रेनर की चिंता तुम मत करो वो उसका काम कर लेगा ट्रेनर तुम्हारा तुम अपनी चिंता करो एक्नोलेजमेंट तुम्हारे लिए है एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड तुम्हारे लिए है तो ये करो लाइफ में हमेशा और जब आप शक्ति बन जाएंगे असुर कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जीत हमेशा शक्ति की ही होती है पर शर्त इतनी है कि तुम्हें शक्ति बनना है और शक्ति तभी बनोगे जब तुम अपने साथ जुड़ोगे अपने साथ कनेक्ट करोगे वेन यू विल लव योर सेल्फ अनकंडीशनली वेन यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ कंप्लीटली एंड फुल्ली जब आपका ध्यान केवल आपके ऊपर होगा आप सूर्य की तरह बनेंगे और आपकी रोशनी और आपकी चमक में आपकी दिव्यता में घर के सारे लोग हील हो जाएंगे इतना पावर है